सर गुड मॉर्निंग सर, आज क्या हमारे ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई चिंता की बात है? जिस तरह के ग्लोबल मार्केट क्यूज है और निफ्टी बैंक निफ्टी, कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स पर नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग नेहा, डेफिनेटली देखिए चिंता की बात तो है ही, जब भारतीय बाजार बंद हुए तो अमेरिकी फ्यूचर चीप ट्रेड कर रहे थे, ऐसे इतनी कमजोरी अमेरिका में होगी इसका अंदाजा नहीं था। जो इकोनॉमिक डेटा अमेरिका में आए हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के और बेरोजगारी के आंकड़े के, वो थोड़े से इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ सकती है, और भारत की फेड के जो सदस्य हैं उनके जो बयान आते हुए दिख रहे हैं वो अब अगली फेड की जो बैठक होने वाली है मार्च में, उसमें आधा परसेंट तक की कटौती की बात कर रहे हैं, जो पहले हम एक चौथाई प्रतिशत की एक आधा प्रतिशत की बढ़त बात कर रहे हैं, जो पहले बाजार का आमतौर पर अंदाजा यह था कि एक चौथाई प्रतिशत की बढ़त से ही काम चल जाएगा। यानी कि अगर इकोनॉमिक डेटा कमजोर नहीं हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी भी नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा और ब्याज दरों को तेजी से घटाना पड़ेगा। ये चिंता थी कल अमेरिकी बाजारों की, जिसके चलते अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय बाजारों ने इस गिरावट का अंदाजा लगाया नहीं था। और दूसरी बात यह है कि हम दो दिनों से तीन दिनों से अच्छी मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, दो दिनों से 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी हमें मिली, और साथ ही साथ हमें FIIs की तरफ से खरीदारी लौटती हुई भी दिख रही है। तो इन संकेतों के बीच में जाहिर सी बात है आज थोड़ा नीचे गैप से खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उस पर फोकस करना चाहिए, वहां पर आपको खरीदारी आने की उम्मीद रखनी चाहिए, और ये सपोर्ट होगा आपके लिए नीचे की तरफ 17,850 से लेकर 17,925, ये वो रेंज है जहां पर बाजार में आपको खरीदारी आती दिखेगी, और ऊपरी स्तरों पर 18,125 प्रॉफिट बुकिंग की जगह होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जब तक 41,500 के ऊपर टिक कर ट्रेड करता है तब तक ज्यादा चिंता की बात नहीं, असली चिंता उसके नीचे शुरू होगी। रेंज जो सपोर्ट की निकल कर आती है पहली आपके लिए, अगर 41,500 के नीचे आप जाते हैं तो 41,275 से 41,425, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 41,800 से लेकर 41,950 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग सप्लाई बिक्री वाली आती हुई दिख सकती है, तो इन रेंज पर नजर रखनी चाहिए। एक अच्छी बात है कि कल वीक की एक्सपायरी हो चुकी है, आज से जो हम हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं ये मंथली एक्सपायरी भी होगी, पोजिशन थोड़ी सी हल्की है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस लिहाज से बाजार निचले लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज के सत्र में उन्हें क्या उम्मीद लगाकर चलनी चाहिए और कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर। तो थोड़ी सी डिप डाउन गैप डाउन ओपनिंग के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि मार्केट हल्के हैं जैसे सर ने रीटरेट किया, तो बाजार में यहां पर सपोर्ट बैंड की तरफ मिलेगा। निफ्टी में 17,850 से 925 वो सहारा देने वाली एक रेंज का काम करेगा, ऊपर रुकावट वाली जो बैंड होगी वो 18,100 से 125 के पास दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 41,275 से 425 के पास सर को सपोर्ट रेंज आज की बनती दिखाई दे रही है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस बैंड है वो 41,950 तक जाता हुआ नजर